माई डेयर स्टूडेंट्स असलकुम कल हमने ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक पढ़ा था आज हम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रिलेटेड टू रेस्पायरेटी ट्रैक और जूनोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रिलेटेड टू रेस्पायरेटी ट्रैक इस कैटेगरी में बेशुमारगेनिज़्म हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस के बेसिलाई मंदरजा झैल हैं हेमोफिलस इन्फ्लुज़ा विच काजसाइनोसाइटिस ओटाइटिस मीडिया एंड निमोनिया बॉडी pertussis, which causes pertussis. जिसे आम जुबान में वो कफ़ भी कहते हैं या उर्दू में इसको काली खांसी कहते हैं हम इनमें से सिर्फ हीमोफिलस इन्फ्लुंज़ा को ही तफसील से पढ़ेंगे और इसके आप सबको यकीनन वैक्सीन भी लग चुके होंगे Francisella tularensis, which causes tularemia, ये deer और rodent में पाया जाता है Yersinia pestis, which causes बबूनिक and निमोनिक प्लेग इसे उर्दू में ताउन कहते हैं और सभी जानते हैं कि तान वाइल्ड रोडेंट यानी चूहे और गिलहरी से फैलता है Bartonella हैंसेली विच कॉज कैट इस्क्रैच डिजीज जैसा नाम से ही जाहिर है ये बिल्ली के खरोंचे की तरह फैलता है हीमोफिलस इन्फ्लुन्जा दीज आर इसमाल ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलरी रोड्स ये छोटे छोटे रोड्स होते हैं जो तकरीबा गोल कोकाई ही के जैसे होते हैं तभी इन्हें कोकोबेसिल कहते हैं ऑफ़ दी सिक्स कैप्सुलर पॉलीसैक्राइस टाइप टाइप बी काजेज 95 फाइव परसेंट ऑफ इन्वेसि डिजीज इसकी छः कैप्सुलर पॉलीसक्राइस टाइप्स में से टाइप बी ही वो टाइप है जो पचानवे फ़ीसद महलिक बीमारियाँ पैदा करता है डिजीज हिमोफिलस इन्फ्लुज़ा साइनोसाइटिस ओटाइटिस मीडिया और निमोनिया पैदा करता है एपिगलोटाइटिस ये बहुत कमी से ही करता है लेकिन एपिगलोटाइटिस की सबसे अहम वजह हीमोफिलस इन्फ्लुन्जा ही है माजी में ये मैनजाइटिस का भी एक अहम सबब था लेकिन अब इसकी वैक्सीनेशन की बदौलत यह खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन हैबिटेट इज़ द अपर रेस्पायरेटी ट्रैक ट्रांसमिशन इज़ वायर रेस्पायरेटी ड्रॉपलेट्स ये हलक में होता है और सांस के ज़रिए फैलता है पैथोजेनेसिस पॉलीसक्राइट कैप्सूल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस हिमोफिलस इन्फ्लुज़ा की विरूलेंस पॉलीसेक्राइट कैप्सूल ही की बिना पर है आई जी ए प्रोटीज़ इज प्रोड्यूस्ड ये बैक्टीरिया हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए से मुकाबला करने के लिए आईजीए प्रोटीज भी पैदा करता है मोस्ट केसेस ऑफ मैनजाइटिस अकर्स इन चिल्ड्रन यंगर दैन टू ईयर्स ऑफ एज बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडी हैज हैज़वीन एंड एम्यून रेस्पॉन्स ऑफ दी चाइल्ड टू कैप्सुलर पॉलीसेक्राइट्स कैन बी इन एडकेट ज़्यादातर हीमोफिलस इन्फ्लुन्जा की वजह से जो मैनजाइटिस होता है वो दो साल से छोटे बच्चों में होता है उसकी वजह यह है कि माँ से जो एंटीबॉडीज़ उनमें मुंतकिल होती है वो ख़त्म हो चुकी होती हैं और उनका इम्यून सिस्टम हीमोफिलस इन्फ्लुंजा से लड़ने की ताकत नहीं रखता नो एक्सोटॉक्सिन्स आइडेंटिफाइड लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ग्राम स्टेन स्मियर प्लस कल्चर ऑन चॉकलेट अगार सीरो टाइप बाय यूजिंग एंटी सीरम इन वेरियस टेस्ट कैप्सुलर एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन सीरम और Cerebrospinal fluid. Serologic test for antibodies in patient serum not useful. Thank you, my dearest friends. Allah hafiz.